थोड़ी सी इलायची डाल दी है, बादाम थोड़े से डाल दिए, बाकी हम गार्निश में डालेंगे। और सलसल चम्मच चलाना है क्योंकि फिर खीर जो है वो चीनी की वजह से नीचे लगना शुरू हो जाती है पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ ज़ाफ़रानी खीर। ज़ाफ़रान तो नहीं है लेकिन हम एसेंस डाल के उसको बिल्कुल ज़ाफ़रान जैसा फ्लेवर देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं ज़ाफ़रानी खीर। ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए मैंने लिया है ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध, और इसमें मैंने ये जो राइस थे सेला राइस ले लिए थे मैंने 1 कप छोटा वाला, उसको मैंने बॉईल कर लिया और फिर मैश कर लिया। और हसबे ज़रूरत हम चीनी डालेंगे। तकरीबन 1 लीटर के हिसाब से मैं 8 खाने के चम्मच डालती हूँ, उसके हिसाब से मैंने ये लिए हैं तकरीबन 12 चम्मच। तो ये 1.5 लीटर दूध है, इसमें हम और भी थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 2 किलो हम इसको कर लेंगे, और इससे हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी खीर। और ज़ाफ़रानी एसेंस इसमें डालेंगे, ज़ाफ़रान मुझे मिला नहीं इसलिए फिर हम एसेंस डालेंगे इसमें। तो चलें फिर बनाते हैं ज़ाफ़रानी खीर। के लिए दूध बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने, इसमें मैं 1 कप ताज़ी फ्रेश वाली जो दूध की बलाई होती है वो भी डालूंगी, वो मैं रखना भूल गई, और बादाम पिसते भी जाएंगे इसमें। ये बॉयल आ जाए फिर इसको मैं इसमें राइस डाल दूंगी और फिर हम इसे पकने के लिए रख दें। ये देखें जैसे ही दूध में बॉयल आया मैंने इसमें वो राइस डाल दिए थे मैश किए हुए, और इसमें एक बार विस्क चला दिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ये अब पकती रहेगी, जैसे ये गाढ़ी हो जाएगी मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दूंगी, खोया नहीं है मिल्क पाउडर, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया डालें, मेरे पास नहीं है तो मैं फिर, मेरे पास बर्फ़ी रखी है मैं वो डालूंगी। हाँ ठीक है, हम बर्फ़ी डाल देंगे इसमें, खोए वाला फ्लेवर आ जाएगा। और बर्फ़ी को तोड़ के उसको डाल देंगे, ये पक रही है, जैसे ये गाढ़ी होगी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी इसमें हम चीनी डाल देंगे और ज़ाफ़रान एसेंस डाल देंगे। ये मैंने इसमें बर्फ़ी थोड़ी सी पड़ी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है मैश करके, और थोड़ी सी इलायची डाल दी है, बादाम थोड़े से डाल दिए, बाकी हम गार्निश में डालेंगे। और इसमें अब डाल रही हूँ मैं ये फ्रेश वाली बिल्कुल ताज़ी बलाई, बहुत मज़े की बनेगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये ज़ाफ़रानी एसेंस, और इसको अभी चीनी नहीं डाली मैंने इसमें, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ना फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। माशाल्लाह से खीर पक रही है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चीनी ताकि चीनी भी पक जाए, चीनी भी जब इसमें मेल्ट होगी थोड़ा सा ये और पतली होगी। बस फिर ये चीनी डालने के बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है क्योंकि फिर खीर जो है वो चीनी की वजह से नीचे लगना शुरू हो जाती है पैन में ना, इस वजह से
आपको यहाँ पे भी मुसलसल खड़े हो के इसको पकाना है। बस ये गाढ़ी हो जाएगी, हम इसे सर्व कर देंगे बादाम किस्मों के साथ गार्निश कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी ज़ाफ़रानी खीर रेडी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।